सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैबलेट चार्ज। दोस्तों मैं हूं अनिल और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों गर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और लोग दो जगह जा रहे हैं, एक तो वाटर पार्क जिसकी मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी, आपने देखी भी होगी, और दूसरी जगह है कुछ स्नो पार्क। और स्नो पार्क की मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दी है, स्नो मस्ती ग्रेटर नोएडा, स्नो जो आइलैंड है आपका नोएडा का, और जो आपका जुरासिक पार्क में स्नो पार्क है उसका भी बना दिया है। लेकिन रिसेंटली में अभी रिसेंटली में एक ओपन हुआ है स्नो पार्क, जो कि ओपन हुआ है मोजोलैंड में, और ये बाकी पार्क से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है सुनने में आया है। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और अंदर जाके देखेंगे कि ये जो स्नो पार्क है वो बाकी पार्क स्नो पार्क से कितनी डिफरेंट है, टिकट प्राइस क्या है, लोकेशन क्या है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर कर जरूर बताइएगा इस स्नो पार्क के बारे में अगर आसपास रहते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, घूमते हैं स्नो पार्क। दोस्तों अगर आप स्नो किंगडम मोजोलैंड आना चाहते हैं, मुरथल का टोल है, आप वहाँ पे उतर जाएंगे, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में, और यहाँ पे पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, मतलब आपका कोई कन्वेंस नहीं है, तो आप वहाँ से ISBT से रोडेज वाली बस पकड़ के आ सकते हैं। 45 रुपये टिकट लगेगा आपका, जो आपको यहाँ पे मुरथल छोड़ देगा, वहाँ से आप ऑटो करके भी आ सकते हैं, और अगर आप टोल पर उतरते हैं तो वहाँ से वॉक करके आ सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मोजोलैंड स्नो पार्क की टिकट की, तो यहाँ एडल्ट की टिकट लगभग 600 रुपये और स्टूडेंट की टिकट 500 रुपये। अगर आप बर्थडे आपका है तो आप उस दिन आपको फ्री आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप पूरा ऐश कर सकते हैं फ्री में, बस आपको ID प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे टाइमिंग्स है, तो आप देख लीजिए पॉज करके, ये टाइमिंग है स्नो पार्क की। तो दोस्तों स्नो पार्क में जो स्नोफॉल होती है उसके टाइमिंग भी यहाँ मेंशन है, जैसे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो 7 बजे तक लास्ट स्नोफॉल होता है। तो दोस्तों एक स्पेशल ऑफर है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे वाटर पार्क आते हैं, अम्यूजमेंट पार्क आते हैं, तो सिर्फ 300 रुपये एक्स्ट्रा देके आप स्नो पार्क के मज़े ले सकते हैं। तो बिल्कुल हाफ रेट लगेगी, हाफ टिकट लगेगी यहाँ पे, तो इस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों यह है स्नो किंगडम के नाम से स्नो पार्क है, जो कि मोजोलैंड वाटर पार्क के अंदर ही है। तो दोस्तों जैसे आप एंटर करेंगे स्नो किंगडम मोजोलैंड के अंदर, तो आपको सबसे पहले ये हॉल मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे वेटिंग रूम होगा, आप यहाँ पे बैठेंगे वेटिंग रूम होगा, और उसके बाद आपको यहीं से जैकेट, शूज़ और ग्लव्स मिल जाएंगे। और हाँ अगर आप सॉक्स घर से लाते हो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे 70 रुपये से परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो कि मस्ट होगा आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ खास बता दो दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि जो भी जैकेट वगैरह मिलेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब टिकट में इंक्लूड होगा, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। चलो तो स्टार्टिंग हो गई है। सस्ते मनाली में एंटर करने वाले हैं हम। आर्मी वाली बूट लग रही है। तो दोस्तों फाइनली हम रेडी हो गए हैं, क्योंकि अंदर टेम्परेचर का -10 डिग्री का बहुत ठंड होगी, और ग्लव्स चाहिए तो मैंने ग्लव्स भी ले लिया, और बड़ा शानदार लग रहा है ग्लव्स इतने आना स्टार्ट हुए। ये है मेन डोर जो कि बस अंकल ओपन करने वाले हैं, कर दो अंकल ओपन। बहुत ठंडा दोस्तों। दोस्तों हमने एंटर कर लिया है स्नो किंगडम में, और जो कि है मोजोलैंड के अंदर, दोबारा बताता हूँ। और जैसे हम एंटर कर रहे हैं कि टेम्परेचर देखिए -10 डिग्री टेम्परेचर है, और अभी हम सबसे पहले आ गए हैं और फर्स्ट डे का फर्स्ट स्लॉट में हम आ गए हैं, तो यहाँ पे अभी बहुत कम लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए है ना। तो फिलहाल यहाँ पे डीजे भाई साहब हैं जो डीजे बजाते हैं, और इधर जैसे आएंगे ना फर्स्ट में, तो यहाँ पे आप कुछ वेटिंग रूम जैसे मिलेगा, आप बंदे बैठ के कुछ बातें कर सकते हैं। और इस साइड है, आगे देखते हैं, और ये है आपका इग्लू टाइप बना रखा है, पर इग्लू नहीं है, कंप्लीट इग्लू नहीं है। और ये देखिए इतने बड़े बड़े बर्फ यार। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो पहले हम जाते हैं इग्लू की तरफ। इग्लू मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, हालांकि वो ओरिजिनल नहीं है, बट इग्लू की तरह सेम है। चलो आ
बाकी दोस्तों अब दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जो है आपका ये इग्लू है। अब चलते हैं इग्लू के अंदर। सो दोस्तों मैं बैठा हूँ इग्लू के अंदर और टेम्परेचर बहुत ठंडा, हाथ बहुत ठंडे हो गए। अगर आप आते हैं दोस्तों यहाँ थोड़ा 5-10 मिनट तो बिता ही लोगे, इतना ठंडा है कि यहाँ पर। और भाई साहब से बता रहा हूँ, एक नंबर जगह यार। चलो तो दोस्तों ये जो जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे होगी आपकी रॉक क्लाइंबिंग। यहाँ पे आपको ना एक हार्नेस बनाया जाएगा, इस तरह का हार्नेस बनाया जाएगा जिसके थ्रू आप क्लाइंब कर पाओगे, ऊपर तक जा पाओगे, जो कि बहुत इजी टास्क है, नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है। हम भी ट्राई करेंगे थोड़ी बात अभी चढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फिर दिखाते हैं हम चढ़ पाते हैं। इस माउंटेन में रिटर्न का कैसा रहता है एक्सपीरियंस? तो दोस्तों काफी भीड़ आ गई यहाँ पर, लोग आ गए यहाँ पर और काफी जगह रहे लोग, काफी देखे ऊपर। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ स्लाइड करने, ठीक है, दिख रहा है, हैं? तो मैं जा रहा हूँ स्लाइड करने के लिए और ये स्लाइडर ले लेते हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ स्लाइड करने, यहाँ स्लाइडर है और इसकी जरूरत पड़ती है स्लाइडर के लिए, और चलते हैं और बताते हैं एक्सपीरियंस की कितना मजा है यहाँ पर, तो करते हैं चलिए। दोस्तों -10 डिग्री सेल्सियस है और हाथ पूरे ठंडे चुके हैं, और यहाँ पे को फ्री ऑफ कॉस्ट चाय मिलेगी पीने के लिए, फ्री नहीं है चार्जेबल है, सॉरी 30 रुपीज़ चार्ज है, तो यहाँ पे आपको चाय भी मिलेगी। ये देखिए माया कैसी चाय है, मस्त है चाय, तो ऐसे बहुत ही टेस्टी है, बहुत मस्त है। चलो तो दोस्तों फाइनली हमने विजिट कर लिया है स्नो किंगडम, जो कि मोजोलैंड में रिसेंटली में ओपन हुआ है, अभी ओपन हुआ है, तो भीड़ थोड़ी कम है यहाँ पर हाँ अब धीरे धीरे बढ़ेगी जैसे जैसे लोग यहाँ पे आएंगे और विजिट करेंगे। और दोस्तों बात करते हैं इसके लोकेशन की, तो ये पड़ता है मोजोलैंड वाटर पार्क, जो मेरे पीछे देख रहे हो इसी के अंदर है, जस्ट गेट से एंटर करके आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, अगर आप अपने कन्वेंस आते हैं तो आपको बहुत बड़ी यहाँ पार्किंग मिलेगी बिल्कुल, और यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और जहाँ तक लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है दोस्तों मुरथल में, जो मुरथल का जो टोल पड़ता है उसे जस्ट साथ में ही है, तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप मेरी तरह बस से सफ़र करते हैं तो ISBT से बस लेके यहाँ डायरेक्ट जो टोल पे उतर सकते हैं, वहाँ से जस्ट बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप इजीली आ सकते हैं। टिकट बता दूँ यहाँ के 600 रुपये टिकट है और बच्चों की 400 रुपये टिकट है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और यहाँ पर आइए इन्जॉय करेंगे और धीरे धीरे जिसमें और भी चीज़ें यहाँ पर एड ऑन हो जाएगी तो आप ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। तब तक के लिए आई होप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।